गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे सभी? अच्छे, गुड। आज हमारा टॉपिक रहेगा हमारे मेरे असाइनमेंट पर। असाइनमेंट मैंने आपको दिया था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में प्रोसीजर फॉर स्टडिंग चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड केस स्टडी। तो बाल्यावस्था के अध्ययन की विधियाँ, जिसमें अवलोकन, साक्षात्कार और व्यक्ति इतिहास विधि अर्थात केस स्टडी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। केस स्टडी के फॉर्मेट पर भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन केस स्टडी है क्या, इसके बारे में मैंने आपको केवल बस एक सतही जानकारी दी थी, क्योंकि हमें केवल फॉर्मेट को ही फिल करना था। तो इसमें जो है आपके केस स्टडी के बारे में बात करें, तो इस विधि में जो व्यक्तित्व के गुण दोष और असमानताएं हैं उनका अध्ययन करना है इसमें। ठीक, व्यक्तित्व के यानी पर्सनालिटी के जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं और जो आपकी जो असामान्यताएं हैं उनका अध्ययन करना है। इसमें व्यक्ति विशेष के संबंध में जो पूरी पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है, जैसे हमने फॉर्मेट में देखा था, हमने बर्थ पीरियड, फिर उसके जो है फैमिली बैकग्राउंड, उसके बाद उसके फ्रेंड से, पेरेंट्स से, टीचर से और क्लासमेट से, ठीक, सबसे हम लोग उसके बारे में जानकारी लेना ले रहे थे। ठीक, तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक, अपराधी, मानसिक, रोगग्रस्त, झगड़ालू, समाज विरोधी कार्य करने वाले बालक तथा समस्यात्मक बालक के सुधार के लिए उसके पूर्व इतिहास को स्वयं, उससे, घर से, माता पिता से, अध्यापकों से, मित्रों से पूछताछ करके तथ्यों का संग्रह किया जाता है, जैसा आपने किया है। इस प्रकार के अध्ययन द्वारा उन कारणों को खोजा जाता है जिसके फलस्वरूप उसका आचरण और व्यवहार असामान्य होता है। तो एक क्रोन क्रो है, उन्होंने लिखा है कि व्यक्ति इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। द पर्पस ऑफ केस हिस्ट्री इज प्रीडोमिनेंटली डायग्नोस्टिक। क्रोन क्रो, समझ गया होगे लगभग। अब जीवन इतिहास विधि के गुण, जीवन इतिहास विधि के गुण यानी जो आपके मेरिट्स ऑफ केस हिस्ट्री मेथड है, इसमें क्या है कि यह विधि बालकों के व्यवहार का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप में करती है ना, कि भाई एक फॉर्मेट हमारा बना हुआ है, उस फॉर्मेट को लेकर हम बालक से, उसके माता पिता से, उसके अध्यापकों से, उसके साथियों से, उसके पास पड़ोस के लोगों से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहे हैं और जो है उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है कि यह विधि बालक के व्यवहार के अध्ययन प्रत्यक्ष रूप में करती है। ठीक, एक ये मेरिट्स हो गया। दूसरा, इस विधि से अनेक प्रकट तथा अप्रकट व्यवहार संबंधी तथ्यों की जानकारी हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे व्यवहार जो हमारे सामने दिख रहे हैं और कुछ ऐसे व्यवहार जो हमारे सामने नहीं दिख रहे हैं, उन दोनों के बारे में जानकारी केस स्टडी के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, यह विधि विशिष्ट बालकों के व्यवहार को समझने में सहायक है। विशिष्ट बालक यानी स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल स्पेशल चाइल्ड कैसे होते हैं जो नॉर्मल से अलग हो। ठीक है, अब स्पेशल चाइल्ड का मतलब केवल आप समस्यात्मक बालक से मत लगा लीजिएगा, स्पेशल चाइल्ड गॉड गिफ्टेड भी होते हैं। गॉड गिफ्टेड, वैसे सभी बच्चे गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन यहां पर गॉड गिफ्टेड से कहने का मतलब है प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक, ऐसे बच्चे कक्षा में बहुत कम पाए जाते हैं और सबसे मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि वाले बच्चे भी कक्षा में सबसे कम पाए जाते हैं। इन्हीं दोनों का हमें अध्ययन करना है, इन्हीं दोनों के बारे में हमें अच्छे तरीके से केस स्टडी करनी है। अब इनकी पहचान कैसे होगी,
तो पहचान के तौर पे मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ऐसे बच्चे जो सामान्य से अधिक यानी जो है कठिन से कठिन तथ्यों को आसानी से सॉल्व कर देते हो, या उनके याद करने की क्षमता बहुत अच्छी हो, या जो है वो बच्चे खेल में बहुत अच्छे हों, या किसी न किसी फील्ड में स्पेशल हों, या कुछ बच्चे ऐसे जो कक्षा में चुपचाप रहते हों, या हमेशा झगड़ा करते रहते हों, या जो है चोरी करने की उनमें आदत हो, झूठ बोलने की आदत हो, ये भी बच्चे हमारे स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। ठीक, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा में से बाहर रहना पसंद करते हैं, ना कि कक्षा में। आप लोगों में से भी कई ऐसे हैं जो कक्षा से बाहर रहना पसंद करते हैं, ना कि कक्षा में। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी में कई ऐसे बच्चे होंगे, आप भी कहीं टीचिंग करी होगी या कर रहे होंगे, तो आपके कक्षा में भी कई बच्चे ऐसे होंगे जितने मैं जो मैंने आपको अभी उदाहरण दिए हैं उन उदाहरणों पे बिल्कुल फिट बैठ रहे होंगे। ठीक, इसके अलावा इस विधि के द्वारा व्यक्ति घटना या स्थिति की भूतकालीन अवस्था का ज्ञान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। स्रोत वही है जो मैंने आपको पूर्व में बताए थे, माता पिता, साथी अध्यापक या जो है टीचर्स, पेरेंट्स और आस पड़ोस के लोग, उसके कलीग्स। ठीक है, कोई भी हो सकता है, जिस कोई भी समस्या आपने बालक का मतलब बालक नहीं, कोई भी समस्या प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हो सकता है। तो ये जिनसे आप सोर्सेस मिल रहे हैं, कॉलेज के रिकॉर्ड्स, वो तो ठीक होंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी जो है सोर्सेस के अंतर्गत आती हैं। ठीक, इसके अलावा आपराधिक किस्म के व्यक्ति भी, इस आपराधिक किस्म के बालक भी स्पेशल चाइल्ड कैटेगरी में आएंगे। इसी तथ्य में कि भूतकालीन क्रम को समझे बिना बालक की समस्याओं का समाधान नहीं प्राप्त किया जा सकता। कोई बालक आपकी कक्षा में अक्सर लेट आता है, आप क्या करेंगे? तो अक्सर लेट आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे या उसे दंड देंगे हर बार? यदि आप उसे बार बार दंड दे रहे हैं तो यानी कि आप उसके केवल बाह्य पटल को देख रहे हैं, बाह्य व्यक्तित्व को देख रहे हैं, जिस कारण आप उस बालक की समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिस कारण वह बालक भी धीरे 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 कक्षा से नदारद होने लगता है। इसके अलावा इस विधि द्वारा मानसिक रोगों से ग्रसित या अपचारी बालकों के जीवन के कई तथ्यों का उद्घाटन एवं ज्ञान प्राप्त होता है, जिनके द्वारा उनकी क्रियाओं के निर्धारक कारकों को नियंत्रित किया जा सकता है। मनोविकृत विज्ञान में इस विधि में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब ये जो मेथड है हमारा बाल्यावस्था के अध्ययन की विधि में केस स्टडी है, ये भाई परफेक्ट कुछ नहीं होता, कोई व्यक्ति अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, इसलिए कोई विधि भी अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है। इसकी कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। पहला, व्यक्तिगत अध्ययन कार्य एक तकनीकी कार्य है, टेक्निकल वर्क है, इसको ठीक प्रकार संपादित करने के लिए उत्तम प्रशिक्षण की आवश्यकता है, हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अभी आपके प्रोजेक्ट खोले भी नहीं है मैंने, अभी देखूंगा आप लोगों ने समस्या ली है तो किस तरह की ली है। ठीक है, तो इसीलिए टेक्निकल वर्क बहुत जरूरी, ये टेक्निकल वर्क है इसलिए एक्सपीरियंस्ड लोग ही इसे कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि तो फिर हमें ये वर्क दिया क्यों गया, क्योंकि आप पीपल टीचर हैं, अभी आप सीखने के पर्पज से हैं, कुछ कमियां रहेंगी उतने सुधार किया जाएगा, ताकि जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको मिलेगा उस प्रोजेक्ट में ऐसी कोई गलती हमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इस अध्ययन में सूचना के स्रोत काफी ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं, सूचनाएं एकत्र करना आसान नहीं होता, है ना? अब पता चले आपकी कक्षा में ऐसे चार पांच लोग हैं,
और सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, उन 5 लोगों पर केस स्टडी करना मजाक बात है। तो ये टाइम टेकिंग है, क्या है ये? टाइम टेकिंग है। इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट्स यही है। जिन स्रोतों तथा साधनों का उपयोग इस विधि में सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उनकी विश्वसनीयता और वस्तुगता के बारे में किसी प्रकार की गारंटी नहीं ली जा सकती। ठीक है, अब आपने बालक की समस्या लेकर आप उनके माता के पास गए या पिता के पास गए, तो कोई माता पिता अपने बच्चे की कमियां नहीं बताता। माता पिता के लिए उनकी संतान सबसे अच्छी होती है। या आपने उस बालक के बारे में पास पड़ोस से जाकर मालूम करना चाहा, पहले पास पड़ोसी जलते हैं, तो वो उन बातों को भी आपको बता देंगे जो बेचारा वो करता भी नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा, ये इसका जो है वीक पॉइंट यह भी है। फिर इस विधि का प्रयोग क्षेत्र भी सीमित है, केवल समस्यात्मक बालकों या व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है विधि एक ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी पर लागू हो जाए। नेक्स्ट, कि इस विधि में नियंत्रित या व्यवस्थित परिस्थितियों में अध्ययन होना संभव नहीं, अतः वैज्ञानिकता या प्रामाणिकता का एक प्रकार के अध्ययन में लगभग अभाव ही पाया जाता है। वैज्ञानिकता क्या है? कि हर वैज्ञानिक, हम साइंटिफिक चीज किसी चीज को कहते कहते हर परिस्थिति में रिजल्ट एक ही रहे, तो वो चीज हमारी वैज्ञानिक रहेगी। ठीक, लेकिन ऐसा इसमें होता नहीं है, तो वैज्ञानिकता का अभाव भी पाया जाएगा। प्राप्त सूचनाओं तथा सामग्री के आधार पर व्यवहार के कारणों की उचित व्यवस्था, फिर सर्वमान्य नियम स्थापित करने के कार्य में अध्ययनकर्ता को काफी कठिनाई और बहुधा गलत विश्लेषण की ही संभावना अधिक होती है। तो ये कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स मैंने आपको बताई हैं केस स्टडी की, तो इसको बारे में आप समझ ही गए होंगे। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हम असाइनमेंट बनाएं कैसे। ठीक है, तो समझ लीजिए एक छोटा छोटा ये इस तरह की कॉपीज में असाइनमेंट जो आपने बनाया बनाना है, इसमें ये पहले पेज पर हम जो है इंट्रो लिखेंगे, इसमें आपका नेम, फादर्स नेम, ठीक, इसके अलावा जो है सब्जेक्ट का नेम आएगा, टॉपिक आएगा, कौन सा असाइनमेंट, कौन सा टॉपिक आएगा फिर। ठीक, पहले मेरे टॉपिक मत लिखिएगा, क्योंकि हमें इसी में ही और असाइनमेंट बनाने तो दिक्कत हो जाती है। वो सब्जेक्ट का नेम लिख दीजिएगा, फिर सबमिटेड टू, किसको सबमिट किया है आपने, और सबमिटेड बाई, कौन सबमिट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट पेज पर हम आ गए। अब यहाँ बनेगी एक इंडेक्स, यहाँ इंडेक्स बन गई। अब इंडेक्स में पहला कॉलम हमारा सीरियल नंबर, फिर टाइटल, डेट और टीचर सिग्नेचर। ठीक, टाइटल में लिखेंगे असाइनमेंट 1, लिख दिया। ठीक, किस डेट को आपको मिला था, ठीक, और किस डेट में आप जमा करेंगे, तो दो दो डेटों का उल्लेखन यहां होना है। फिर यहाँ पर टीचर सिग्नेचर, फिर यहाँ टीचर सिग्नेचर कर देंगे। ऐसे ही असाइनमेंट 1 के बाद असाइनमेंट 2, 3, 4, 5, एक ही पन्ने पे हमारा इंडेक्स तैयार हो जाएगा। और इंडेक्स में हम पेज नंबर भी लिख देंगे, कितने पेज असाइनमेंट जो हमारा आया वो कितने पेज से कितने पेज तक का है। टीचर सिग्नेचर का कॉलम सबसे लास्ट में, सीरियल नंबर, इन टाइटल, सबमिशन जो है डेट ऑफ असाइनमेंट, सबमिशन डेट, पेज नंबर इतने से इतने तक, और टीचर सिग्नेचर। ठीक, दूसरे पेज के बाद फिर हमारा जो थर्ड पेज है, यहाँ से हम जो है सबसे पहले अपना असाइनमेंट का जो टॉपिक है उस टॉपिक को लिखेंगे। ठीक है, उस टॉपिक को लिखने के बाद फिर हम अपना यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू लिखते जाएंगे। अच्छा असाइनमेंट आपका तभी माना जाएगा जब आपको उस असाइनमेंट में टॉपिक के साथ साथ जो है आपने जो डिटेल लिखी है उस डिटेल को आप फ्लो चार्ट के माध्यम से या जो है ग्राफ के माध्यम से, मतलब इन सब चीज़ों को आप जोड़िए, है ना। और जितना अच्छा आप बना सकते हैं उतना अच्छा बनाइए, कोशिश करें कि हम चीटिंग ना करें एक दूसरे की, अपना ही जो आपने सीखा है अपना ही, अपने बारे में ही लिखें, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि ये डाउट है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।